गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। लेट्स स्पीक, आज हम लोग एक लेसन सीखने वाले हैं। लेट्स स्पीक मतलब चलो हम लोग बोलते हैं। अभी किस बारे में बोलते हैं हम लोग जानना चाहेंगे। लेट्स मेक भेल। भेल पता होगा आप लोग, कुरमुरा से खाते, बाहर जाके खाते हो या कभी मम्मी घर में बनाती है, कुरमुरा लिया जाता है, ऑनियन टोमेटो। तो इसमें आज भेल कैसा बनाना है इसके बारे में यह इंफॉर्मेशन इज गिवन। चिल्ड्रन लेट्स मेक भेल टुमारो। अभी वो शुड लाइक टू ब्रिंग कुरमुरा पफ्ड राइस। अभी माइट बी द टीचर इज टेलिंग, टीचर है स्कूल में बोल रही है कि हम लोग कल भेल बनाएंगे। आपका स्कूल में भी देखो, आप लोग कभी कभी ऐसा फ्रूट डे होता है या कुछ चार्ट बनाया जाता है तो आप लोग घर से मटेरियल लाते, हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ एक मटेरियल लाने को कहा जाता है, फिर स्कूल में स्कूल के अंदर उसको प्रिपरेशन करते, टीचर हेल्प करती है आपको बनाने में। यू मेक अ चार्ट और सैंडविच या कुछ शौक खाने की चीज़ बनाते। तो यहाँ पे टीचर अपने बच्चों से बोल रही है कल हम लोग भेल बनाएंगे। वो वुड लाइक टू ब्रिंग कुरमुरा पफ फ्राई। तो टीचर पूछ रही है कि कल कुरमुरा कौन लेके आएगा। तो यस चिल्ड्रन सरते चिलिंग, आई वुड लाइक टू ब्रिंग कुरमुरा। अभी एक बेटा लड़का बोल रहा है कि मैं कुरमुरा लाऊंगा। वन गर्ल इज सेइंग, टीचर आई वुड लाइक टू ब्रिंग फर्सन। अभी भेल में सिर्फ कुरमुरा नहीं होते तो उसमें फर्सन भी ऐड किया जाता है। तो एक लड़की बोलती है आई विल ब्रिंग फर्सन। एंड वो वुड लाइक टू ब्रिंग, सॉरी यहाँ पे पहले टीचर पूछ रही है कौन फर्सन लाएगा। तो उसका जवाब इसके लिए वो लड़की देती है कि मैं फर्सन लेके आऊँगी। ओके, वन बॉय इज टेलिंग दैट ही विल ब्रिंग द कुरमुरा एंड वन गर्ल इज सेइंग दैट शी विल बी ब्रिंगिंग फर्सन द नेक्स्ट डे। ओके, व्हाट आर द अदर थिंग्स नीडेड टू भेल। अभी भी टीचर पूछ रही है और कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है भेल बनाने के लिए। तो बच्चे अभी जवाब दे रहे, टोमेटोस, ऑनियंस, कोरिएंडर लीव्स। क्या क्या हो, कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? टोमेटो, ऑनियंस एंड कोरिएंडर लीव्स। टोमेटो, प्याज और धनिया पत्ता। ओके, नाउ टेल मी वो वुड लाइक टू ब्रिंग चॉप टोमेटोस एंड ऑनियंस। अभी टीचर पूछ रही कि आप बताइए आप में से कौन चॉप करके मतलब कटे हुए टमाटर और प्याज लाओगे, क्योंकि स्कूल में तो हम लोग काट नहीं सकते, छुरी वगैरह बच्चों को लग सकती है ना, तो इसके लिए कटा हुआ टमाटर और प्याज कौन लाएगा, ऐसा टीचर पूछ रही है। तो एक बच्चा जवाब दे रहा है, टीचर आई वुड लाइक टू ब्रिंग चॉप टोमेटोस। तो एक बेटा बच्चा क्या जवाब दे रहा है कि मैं चॉप टोमेटोस लाऊंगा। टीचर आई वुड लाइक टू ब्रिंग चॉप्ड ऑनियंस। अभी दूसरा लड़का जवाब दे रहा है कि मैं चॉप्ड ऑनियंस लाऊंगा। ओके, दिस इज़ द प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे फॉर मेकिंग भेल। सिट ऑन योर पेज एंड व्हाट वुड लाइक टू ब्रिंग एंड हु वुड लाइक टू ब्रिंग चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। अभी टीचर पूछ रही, फिर आप बताइए कि आप में से कौन चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स लाएंगे, मतलब देन पत्ता। ओके, कोथमीर। तो बच्ची वो एक लड़की बोल रही है, टीचर आई वुड लाइक टू ब्रिंग द चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। तो एक लड़की बोलती है कि मैं कोरिएंडर लाऊंगा, लेके आऊँगी चॉप करके। ओके, वंडरफुल चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू ब्रिंग सॉल्ट, लेमन जूस, ए बिग बाउल, स्पून्स एंड प्लेट। तो अभी टीचर क्या बोल रही, खुश हो गए कि हर एक बच्चे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कुछ लाने का, कुछ करने का। तो वो खुश हो जाती है, टीचर बोलते हैं ठीक वंडरफुल बोलते हैं। तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग अ सॉल्ट बोलते, मैं आते वक्त नमक लेके आऊँगी, लेमन जूस लाऊँगी, लेमन जूस मतलब नींबू का पानी। ओके, एक बाउल लाऊँगी, स्पून और प्लेट्स लाऊँगी, क्योंकि ये सब खाना है तो हमें प्लेट्स चम्मच की वगैरह ज़रूरत पड़ेगी। ये व्हाट अ फन, यमी। ओके, अभी दैट इज़ मेंशन। अभी ये जो बहुत लोगों को बच्चे लोगों को पसंद आता है ये बनाने के लिए भेल वगैरह बनाना, नॉर्मली बारिश के वक्त चटपटा खाने को मन करता है हर एक, इवन बच्चों को, बड़ों को, सबको। तो एंड भेल इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ चटपटा, मुँह में पानी लाता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन मस्ट बी हैविंग, पानी आ रहा होगा बच्चों के मुँह से। तो दिस इज व्हाट हाउ द भेल इज मेड। ओके, फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। टीचर अपने बच्चे स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि कल भेल बनाया जाएगा, तो हु इज़ गोइंग टू ब्रिंग कुरमुरा। बच्चे को पूछती है कि कल कुरमुरा कौन लाएगा, तो उसमें से एक लड़का बोलता है मैं लेके आऊँगा। फिर टीचर पूछती है
फरसन को लाएगा। तो लड़की क्या जवाब, एक लड़की जवाब दे रही कि फरसन वो लाएगी। तो टीचर बाद में पूछती कि व्हेल के लिए और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बच्चे बोलते हैं टोमेटोस चाहिए, ऑनियंस चाहिए और कोरिएंडर लीव्स, मतलब टोमेटो चाहिए, प्याज चाहिए और धनिया पत्ता, ओके कोथमीर बोल दे जिसे वी लाइक। तो फिर टीचर बोलते हैं वुड लाइक टू ब्रिंग द चॉप टोमेटोस एंड ऑनियंस, कौन कटे हुए प्याज और टमाटर लाएंगे, क्योंकि स्कूल के अंदर बैठ के बच्चे लोग चॉप नहीं कर सकते, उससे उनको छुरी से हाथ में चोट लग सकती है। तो अवॉइड दिस, तो टीचर बोलती है कि घर से ही कटा हुआ प्याज और टमाटर लेके। तो बच्चों में से दो बच्चे जवाब देते हैं कि हम लोग लेके आएंगे प्याज और टमाटर कटे हुए। तो एक लड़की बोलती है कि वो धनिया पत्ता लेके आएगी कटे हुए। तो उसके बाद में टीचर बोल देती है कि वो आते वक्त कल दूसरे दिन सॉल्ट, लेमन जूस और बाउल, स्पून, प्लेट सब लेके आएगी, जिसमें वो लोग बना के खाएंगे। ओके दिस इज़ व्हाट द लेसन इज कि व्हेल कैसे बनाया जाता है। कुछ और भी चीज़ आपको अच्छा लगता हो वो भी आप जान सकते हैं, पेरेंट्स से पूछ सकते हैं किस तरह बनाया जाता है। और भी कोई चाट है, सैंडविचेस है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है आप अपने पेरेंट्स मम्मी को पूछ सकते हैं। ओके और घर में मम्मी की मदद से कर भी सकते हैं। कुछ सैंडविच खाना मन कर रहा है, कुछ और चटपटा चीज़ खाने को मन कर रहा है, तो टेल योर मदर टू डू एंड हेल्प हर ऑल्सो। ओके थैंक यू।